वेलकम स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, इंडिगो। ये क्लास 12th का चैप्टर है और जितने बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं उनको ये बड़ी हेल्प देगा। कुछ क्वेश्चंस भी बीच में हम डिस्कस करेंगे इसके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। इंडिगो जो चैप्टर है, पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं कि इंडिगो का मतलब क्या होता है। जो नील हम घर में यूज करते हैं सफेद कपड़ों को धोने के लिए, उसकी जो खेती होती है, वो उसकी जो फसलें होती है उनको इंडिगो की क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये इंडिगो, वही इंडिगो है। इसके जो राइटर है वो लुईस फिशर है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये किससे स्टार्ट होता है, ये जो लुईस फिशर है ये गांधी जी को 1942 में यानी 1942 में उनके आश्रम में मिले थे। तो गांधी जी ने बताया था कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अंग्रेजों को भारत से निकालेंगे, कब उनको ये रियलाइज हुआ। क्योंकि गांधी जी का बैकग्राउंड सब जानते हैं, जब उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, जब वो लॉयर बने थे, इंग्लैंड से आए थे पढ़ के, तो उसके साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका जाके वहां के जो अश्वेत लोग हैं, यानी कि गोरे नहीं है, जो लोग काले हैं या हमारे रंग के हैं, उनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा था वो उसके खिलाफ वहां पे खड़े हुए और उन्होंने वहां पे लड़ाइयां लड़ी बिना हथियार उठाए, बिना कोई वायलेंस किए, बिना कोई हाथ उठाए। उनके सिर्फ वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चीजों के खिलाफ खड़े हुए, वहां पे न्याय दिलाया, वापस आए। लेकिन जो गांधी जी का रियल करियर था वो 1916 के बाद से, यानी कि लगभग 1917 में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले वो पॉलिटिकली इतना क्लियर नहीं थे कि उनको जिंदगी में क्या करना है, भारत को आजाद दिलानी है। शायद उनके मन में कहीं ना कहीं छोटी सी चीज रही होगी, लेकिन उतना क्लियर नहीं थे। तो 1916 में क्या होता है कि लखनऊ में एक मीटिंग होती है, जो वार्षिक जो मीटिंग कहते हैं ना, एनुअल कन्वेंशन उसको बोलते हैं। ये हुई थी, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे बनी हुई थी। तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे वहां पर। तो जब ये मीटिंग हुई थी तो गांधी जी भी गए क्योंकि वो भी कांग्रेस से थे। तो होता क्या है, राजकुमार शुक्ला एक किसान है। तो किसान की बच्चों एग्जाम में क्या है कि वो पीजेंट भी बोल सकता है, वो फार्मर भी बोल सकता है। तो आपको याद रखना है कि इट कैन बी एनीथिंग। तो राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण से वहां आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो मदद चाहते हैं। और वो मदद किस चीज की चाहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जो चंपारण में, क्योंकि चंपारण क्या है, नेपाल की जो पहाड़ियां हैं, नेपाल का जो बॉर्डर है बिहार से लगता हुआ, उसके वहां पे पटना से आगे जाके वो कहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि खेती हो रही है इंडिगो की, तो इसी के रिगार्डिंग आया होगा ऑब्वियसली वो। तो होता क्या है कि ये डिसाइड किया जाता है कि जो लैंड ओनर्स होते हैं वो अपनी लैंड जो है यानी अपनी जमीन किराए पे दे देते हैं किनको, किसानों को। अब किसान पूरा साल वहां मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि इतनी लैंड है एक किसान के पास में, तो इसका जो भी 15% होगा यानी 15%, उस पे वो सिर्फ इंडिगो की खेती करेगा, यानी कि नील की खेती, क्योंकि ये अच्छे दामों पे बिकती थी। तो ये जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स थे वो यही खेती इनसे कराते थे और बाकी जमीन इनको दे दी कि आप इस पे जो भी फसल उगाओगे वो आप रखो। ये 15% की पूरी पूरी इंडिगो की फसल हमें देनी है, क्योंकि इसकी पूरी जमीन पे, बची हुई जमीन पे, यानी कि 85% जमीन पे जो भी उगता था उसका उतना प्रॉफिट नहीं होता था जितना अकेला इसका हो जाता था। तो होता क्या है कि लैंड ओनर्स को, यानी लैंड लॉर्ड्स को, यानी जमींदारों को ये पता चलता है दैट जर्मनी हैज इन्वेंटेड सिंथेटिक इंडिगो, कि उसने क्या है सिंथेटिक इंडिगो, एक प्लास्टिक इंडिगो बना लिया, यानी एक नील एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बना लिया है जो उनको बहुत सस्ता पड़ रहा है। और अब जब वो जो जो उनको सस्ता पड़ेगा तो मार्केट में भी कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता ही जाएगा, तो लोग सस्ता ही तो खरीदेंगे ना, महंगा नहीं खरीदेंगे। यानी कि अब भारत में इंडिगो की जो फसल थी, जो फार्मिंग थी, जो खेती थी, वो फेल होने वाली थी। तो लैंड ओनर से बड़ी चाल चली, इतने दिन तक तो वैसे ही शोषण कर रहे थे उनका। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ना हम आपको ना इस ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है, इसको बोल रहे थे शेयर क्रॉपिंग, ये जो सिस्टम मैंने बताया दैट इज कॉल्ड शेयर क्रॉपिंग, कि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से बिल्कुल फ्री कर देते हैं जी, आप हमें मुआवजा दे दो। तो बहुत सारे किसान ना परेशान थे, उन्होंने मुआवजा दे दिया। जिनके पास नहीं था वो अड़ गए, उन्होंने वकील हायर किए, लेकिन लैंड ओनर्स ने
गुंडे हायर किए उनको डराने धमकाने के लिए। इस पॉइंट पे इस वजह से ही ये एक्चुअली इशू यही था। तो इस वजह से जो है राजकुमार शुक्ला जो है वो वहां पे आते हैं। अब वो जब इंटरनेशनल कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं कि भाई मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, आप कुछ कीजिए प्लीज, तो वो एक नाम रेकमेंड करते हैं, वो नाम होता है गांधी जी का। उस टाइम गांधी जी नहीं थे, राष्ट्रपिता नहीं थे, बापू नहीं थे, वो सिर्फ गांधी थे जो वकील और वकालत का कोर्स करके वापस आए हुए थे। तो गांधी जी बोलते हैं देखो मेरी यहां बहुत सारी मीटिंग्स है तो अभी तो मैं नहीं चल सकता। तो राजकुमार शुक्ला जो है ना वो जहां जहां गांधी गए उनके पीछे पीछे जाता रहा। बेचारा नॉर्मल सी हालत वाला किसान था, नॉर्मल से कपड़े पहने जैसे किसान होते वैसे ही लग रहा था। तो जहां जहां गांधी गए वहां हो गया। अब क्या होता है कि एक दिन गांधी जी को वो मिलता है, तो गांधी जी को गांधी जी देख लेते हैं, उसको भीख मांगता है कि प्लीज एक डेट दे दो मेरे को जिस दिन मेरे साथ आप चल सकते हो चंपारण। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है एक फला फला डेट पे मैं जा रहा हूं कलकत्ता, तो वहां से तुम मेरे को पिक कर लो और जहां तुम बोलोगे वहां मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। ऐसा उन्होंने क्यों अग्री कर गए वो इस अनजान आदमी के लिए, क्योंकि वो बहुत इंप्रेस्ड थे कि जो राजकुमार शुक्ला है वो रेजोल्यूट है, एडमेंट है, यानी डिटरमिंड है, यानी कि बिल्कुल वो डिसाइड करके आया था कि मैं गांधी जी को लेके जाऊंगा। इस चीज से बड़े इंप्रेस होते गांधी जी। तो क्वेश्चन आता है व्हाई वाज राजकुमार शुक्ला कॉल्ड रेजोल्यूट। तो आप उसका आंसर सिंपल से लिखेंगे कि जहां जहां गांधी गए वो पीछे गया जब तक कि गांधी जी ने साथ जाने से के लिए परमिशन नहीं दी। तो आप बोलोगे सिंपल इंग्लिश में इसको ही बोलोगे गांधी जी ही फॉलोड गांधी जी वेर एवर गांधी जी वेंट राइट अंटिल गांधी जी अग्रीड टू गो विद हिम टू चंपारण। That's why he has been called as resolute. Adamant भी आता है, determined भी आता है। Word लेकिन book में text book में ही है तो यही आएगा आपका word। ठीक है? तो अब क्या होता है कि वो वहां से पटना के लिए एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। पटना जा रहे हैं। तो पटना क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पटना में एक वकील है राजेंद्र प्रसाद। तो राजकुमार शुक्ला उनको वहां लेके जाता है क्योंकि केस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी इनको डेफिनेटली। राजकुमार शुक्ला जो है लेकिन टाउन से यानी पटना से बाहर होते हैं। तो ये क्या करते हैं सर्वेंट्स जो होते हैं वहां पे राजेंद्र प्रसाद के। अब राजेंद्र प्रसाद को हम सब जानते हैं, बुक में ही मेंशन है कि वो कौन थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो, लेकिन पहले वो भी वकील ही थे। तो सर्वेंट्स ने सोचा कि ये राजकुमार शुक्ला को तो वो जानते ही थे क्योंकि वो बार बार आता था कि भाई इनके पास में राजेंद्र प्रसाद के पास में कि मेरा केस लड़ लो, मेरा केस लड़ लो, हम लोगों को फेवर दिला दो कुछ। लेकिन जब उन्होंने गांधी को देखा तो गांधी जी हमेशा से ही सिंपल ड्रेसअप में रहते थे, लुंगी ये सब धोती वगैरह में। ठीक है? तो उन्होंने सोचा कि गांधी भी किसान ही होगा। ठीक है? गांधी को उन्होंने एक कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद गांधी जो है अनटचेबल है, क्या अगर वो कुछ भी निकालेंगे, कुछ भी उनके बकेट से कुछ पानी इसमें वापस गिर गया तो वो पूरा का पूरा पोल्यूट हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत फैला हुआ था, एक पॉइंट है। फिर उसके बाद वो वहां से निकलते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जाने से पहले वो क्या करते हैं, जीबी कृपलानी नाम के एक आदमी को वो एक लेटर लिख देते हैं। तो वो स्टेशन पे आते हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ में। लेकिन ये रुकते कहां पर है, रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के यहां पे। प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है और गवर्नमेंट उस टाइम किसकी थी, अंग्रेजों की, ब्रिटिश की। तो जब गवर्नमेंट अंग्रेजों की है और आप उस बंदे का साथ दे रहे हैं यानी उसको अपने घर में रोक रहे हैं, गांधी जी को उन्होंने घर पे रोका था इन मलकानी जी ने, किस लिए रोका था, रिस्क लिया इन्होंने अपनी जॉब पर, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते वरना आपकी जॉब को खतरा है। तो गांधी जी इनसे बड़े इंप्रेस थे। इसके बाद में क्या होता है कि गांधी जी जो है वो मुजफ्फरनगर गए भी इसलिए थे क्योंकि उनको ये था कि राजकुमार शुक्ला जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसने मेरे को दिए थे वो कंप्लीट नहीं है केस लड़ने के लिए, तो मुझे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसलिए भी मुजफ्फरनगर गए थे। क्वेश्चन अगर आए व्हाई डिड ही गो टू मुजफ्फरनगर इंस्टेड ऑफ चंपारण, चंपारण से पहले वो मुजफ्फरनगर क्यों गए, तो आप सीधा बोलोगे दैट ही वांटेड टू कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे अबाउट द केस, बिकॉज राजकुमार शुक्ला वॉज नॉट एजुकेटेड पर्सन सो ही वॉज नॉट एबल टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है? अब ये जब आए हैं तो इनकी न्यूज बन गई है कि एक एक, 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 एक ना
स्वामी टाइप बाबा टाइप आए हैं जो कि हमारी हेल्प के लिए आए हैं। तो ये जब न्यूज बन गई तो जो शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल पैदल चलने लगे और वो चंपारण की तरफ आने लगे। अब हुआ क्या, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने लॉयर से बात की चंपारण में जाके, उन्होंने पूछा क्या फी लेते हो। तब उन जो वकीलों ने अपनी हाई फीस बताई ना, तो गांधी जी ने उनको चाइड किया यानी स्कोल्ड किया यानी डांटा। सो गांधी जी लिटरली स्कोल्डेड देम कि तुम इन गरीब आदमी वैसे ही हैं, ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम इनसे इतनी फी चार्ज कर रहे हो, अपने देश के तो लोग हैं। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने एक चीज की कंक्लूजन पे पहुंचे डिस्कशन के दौरान, जब वो वकीलों से डिस्कशन कर रहे थे लॉयर से, कि कोर्ट्स में ले जाना केस को यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उसका। रीजन क्या है कि प्रॉब्लम असली ये नहीं है कि इनका केस है और ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, इनका डर किनका, किसानों का। ये किससे डर रहे थे, अंग्रेजों से, कि भाई जब इनका डर खत्म होगा ना तभी ये कुछ फाइट कर पाएंगे। तब उन्होंने ये चीज बोली थी कि उनका फियर रिमूव करना है। अब होता क्या है कि जो किसान है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिंथेटिक इंडिगो के बारे में किसानों को पता चल गया कि भाई जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया इसलिए हमसे मुआवजा ले लिया। अब इनको चीटेड फील हुआ, दे फेल्ट चीटेड, के यार हमसे मुआवजा भी ले लिया, पहले हमारा शोषण भी कर लिया, हमसे मुआवजा भी ले लिया, तो ये मुआवजा वापिस मांगने लगे। इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण पहुंच गए थे। अब क्या होता है, देखो चंपारण में क्या होता है, चंपारण में कुछ इवेंट्स हुए हैं, बड़े मैंने सीक्वेंस में बड़े लिख दिए आप लोगों के लिए, कि सबसे पहले वो ना जाते हैं सेक्रेटरी के पास। वो सेक्रेटरी कौन होता है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, मैंने एक्रोनिम में इसको लिखा है, ठीक है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि अंग्रेजों के जो जमींदारों की एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी से मिलते हैं। उसके बाद में केस की डिटेल लेने के बाद में ये ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जाते हैं जो तिरहुत डिवीजन में है, वहीं चंपारण के आसपास। ये आदमी क्या करता है ना, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, क्योंकि ये तो पावर में है, ये उसको धमकी देता है, ऑलमोस्ट मारने की कोशिश करता है गांधी जी को, बोलता है निकल जाए यहां से। लेकिन गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, आई एम नॉट गोइंग बैक। क्या होता है कि गांधी जी को तब पता चलता है कि भाई मोतिहारी एक जगह है चंपारण के पास में, वहां पे एक किसान को ना हैरेस्ट किया गया, अ पीजेंट हैज बीन हैरेस्ट, कि उसका बड़ा शोषण किया, उसको बड़ा नुकसान मार पीटा गया। तो गांधी जी एक हाथी पे बैठ के वहां के लिए चल पड़ते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर का कोई आदमी होता है वो आता है और इनको समन देता है कि भाई आपको चलना है। अब ये घर जाता है तो इसको बोला जाता है कि भाई आप तिरुट छोड़ के चले जाइए। गांधी जी बोलता है मैं ऑर्डर को नहीं मानता, आई डिस ओबे द ऑर्डर। किसी चीज को नहीं मानने को बोलते हैं डिस ओबे और मानने को बोलते हैं ओबे। तो गांधी जी ने बोला आई डिस ओबे द ऑर्डर। तो क्या होता है, गांधी जी को ये बोल दिया जाता है कि आपको कोर्ट में पेश होना है भैया। अब क्या होता है कि जैसे ये न्यूज फैलती है कि एक आदमी आया है इनकी हेल्प के लिए, किसानों के लिए, और सरकार उसको परेशान कर रही है, सिस्टम उसको परेशान कर रहा है, तो सारे के सारे जो ये फार्मर्स हैं बिना किसी इनविटेशन के वॉलेंट्रली, मतलब स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से वहां पे कोर्ट के आसपास जमा होने लगा थाउजेंड्स। अब गांधी जी को ले जाया जा रहा है लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो ले जा नहीं पा रहे क्योंकि इतनी भीड़ है। तो गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज इनको बोलो कि हमको कोर्ट के अंदर आपको ले जाने दें। तो गांधी जी ने ना यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, हिथर्टो, ठीक है, हिथर्टो, सॉरी, हिथर्टो। हिथर्टो का मतलब होता है कि जब कोई मान के बैठा ना कि हम तो सबसे ज्यादा तगड़े, हम ही है, ताकतवर हम ही है, हमारे अंदर ही सब कुछ है, जो है पावर हमारे पास ही है। तो गांधी जी ने बिना हाथ उठाए अंग्रेजों को ये बता दिया था कि जिस दिन हिंदुस्तानी एक हो जाएंगे ना, जैसे आज हुए, तुम्हारे बस की कुछ नहीं रहेगा। देन क्या होता है कि कोर्ट में जो अंग्रेजों की साइड से लॉयर होता है वो बोलता है कि आगे की डेट दे दो, शायद अभी उसको ऊपर से ऑर्डर आए थे कि आप अभी केस अभी आगे मत लड़ोगे फिलहाल। लेकिन गांधी बोलते हैं नहीं, फैसला आज ही होना चाहिए, सुनवाई आज ही होनी चाहिए। गांधी जी बोलते हैं देखो मेरी ना, मैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में हूं, एज सिटीजन ऑफ द नेशन, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे शांति बनाए रखनी चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, तो पहली ड्यूटी मेरी ये है। लेकिन दूसरी ड्यूटी ये है कि मैं कानून का विरोध करूं, सिस्टम का विरोध करूं, किनके लिए, इंसानों के लिए, किसानों के लिए, जो मेरे देश के हैं। तो दोनों ही मेरी ड्यूटी है, इंसान के नाते किसानों की मदद करना, सिटीजन के नाते आपके कानून फॉलो करना। तो फिलहाल मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी हूं और मैं गिल्टी हूं।
जज बोलता है कि देखो दो घंटे का रिसेस है 120 मिनट्स का, ठीक है। गांधी जी को बोलता है कि आप अपनी बेल ले लो और थोड़ी देर में आना। गांधी जी बोलते हैं मैं कोई बेल बेल नहीं ले रहा, आई एम नॉट टेकिंग एनी बेल। जो जज होता है वो बेचारा परेशान रहता है, कहता है ठीक है मेरे बाप बिना बेल के तू घूम ले थोड़ी देर, दो घंटे बाद मिलते हैं। तो दो घंटे बाद आया तो जज ने बोला इसका फैसला मैं अभी कुछ दिन और नहीं दूंगा, इस पर कोई जजमेंट नहीं होने वाला। बाद में गांधी जी को पता चलता है कि जो एलजी है ना एलजी, उसने केस ड्रॉप कर दिया, यानी कि उसने बोला कि हम केस नहीं कर रहे गांधी के ऊपर। तो ये जो थी ना फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली जीत थी, फर्स्ट विन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब क्या होता है कि जो एलजी होता है, एलजी के साथ में गांधी जी के चार इंटरव्यू होते हैं। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इंटरव्यूज डिड गांधी जी हैव विद द एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पूरी स्पेलिंग नहीं होती है, आप एलजी को ही एक्रोनिम बना लेना, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएगा। तो इसके चार इंटरव्यूज हुए। उसने क्या किया, एलजी ने एक कमीशन बैठाया। उस कमीशन का काम क्या था कि डिसाइड करना कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब इनके सामने सबूत पे सबूत रखे गए ना, सबूत पे सबूत रखे गए, तो वो समझ गए भाई हाँ, अब वो कह रहे हैं ठीक है जी कंपेंसेशन दे देंगे, किसानों को वापस मुआवजा दे देंगे, अब देंगे कितना। तो गांधी जी ने बोला 50% दे दो हमें, ज्यादा नीचे। उन्होंने कहा देखो गांधी तो अड़ गया, अभी इससे कम तो जाएगा नहीं। तो उन्होंने बोला हम 25% दे देंगे। उन्होंने सोचा गांधी मानेगा नहीं और केस चलता रहेगा ऐसे। गांधी जी ने बोला डन 25% डन। तो गांधी जी पूछा गया 25% लेके क्या मिला, तो उन्होंने सिंपल बोला कि 25% आप ये देख लो कि पैसा 25% है, पर ये तो देखो जिन अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ भारत के लोगों को सिर्फ नौकर समझा, कुत्ता समझा, ठीक है, उनको बेइज्जत किया, आज उनके सामने झुकने को तैयार है, वो झुक रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। मनी मैटर नहीं करता, इज्जत मैटर करती है। इसके बाद क्या हुआ, जो किसान थे उनको पता चला कि उनके भी कोई हक है, किसकी वजह से, गांधी जी की वजह से। और एक चीज और चेंज आई, जितने भी ये स्टेट्स जितने भी जमीनें थी ना, लैंडलॉर्ड ने सबने छोड़ दी जमीनें। अब ये जमीनें किनके पास गई, किसानों के पास। गांधी जी की जो भी राजनीति रही थी ना, वो सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती थी लोगों की वो भी सॉल्व करते थे। उन्होंने देखा कि चंपारण में जो लोग हैं अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, उन्होंने वहां पे अपने वॉलंटियर्स की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया कि कम से कम पांचवीं तक तो लोग वहां पे पढ़े, कुछ पढ़ना लिखना उनको आए। फिर उन्होंने देखा कि वहां पे हेल्थ कंडीशंस बड़ी बेकार है, मलेरिया वगैरह फैल रहा है। तो उन्होंने दो डॉक्टर्स को ना बुला लिया, दो डॉक्टर नहीं सॉरी एक डॉक्टर बुलाया था उन्होंने, जिसने कहा कि भाई मैं वॉलंटरी सर्विस दे देता हूं यहाँ पे कुछ महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो हुआ क्या कि उन वहां पे 3 मेडिसिन दी जा रही थी, केस्टर ऑयल, क्विनिन, सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीनों आप याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो अलग अलग बीमारियों के लिए ये दी जा रही थी, केस्टर ऑयल और जो क्विनिन है ये सब उसके लिए मलेरिया वगैरह दी जा रहे थे। लोगों को कुछ भी इरप्शन हो रहे हैं, मतलब निशान पड़ रहे हैं शरीर पे, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए ऑइंटमेंट दिया जा रहा था। तो 3 दवाइयां घूम फिर गए चले ही जा रही थी। अब क्या होता है कि इसके बाद एक चीज सीखने को मिलती है हमको कि चार्ल्स एंड्रयू जो होते हैं ना गांधी जी के चेले होते हैं, क्या होते हैं उनके चेले होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो वकील होते हैं इनके साथ में गांधी जी के, जो राजेंद्र प्रसाद वगैरह, तो सब एक इनका ओपिनियन होता है कि भाई चार्ल्स एंड्रयू को हम अपने साथ रख लेते हैं चंपारण में ही, हमको आगे बहुत मदद मिलेगी इस चीज की। तो गांधी जी बोलते हैं क्यों, क्योंकि अंग्रेज है और ये हमारी हेल्प करेगा। और चार्ल्स एंड्रयू भी अग्री होता है कि हाँ गांधी जी अगर बोलेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी जी ने बोला कि उसकी हेल्प लेने का मतलब है कि हम अपने दिलों में कमजोर है, ये हमारी वीकनेस शो करता है कि हम कमजोर है। हमारा जो कॉज है फाइट का, यानी कि जो कारण है लड़ाई का, वो बिल्कुल जायज है। वो जायज है तो हमको अपने दम पे लड़ना चाहिए, हम क्यों किसी बाहर वाले की मदद लें। हालांकि एंड्रयू वाज टू स्वीट टू एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, गांधी जी ने उनको टीच किया एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने यहां पे उनको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, दैट हाउ डिड
गांधी जी टीच देम और टीच द लॉयर्स अ लेसन ऑन सेल्फ रिलायंस, कि सेल्फ रिलायंस पे गांधी जी ने उनको एक लेसन कैसे पढ़ाया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है, ऑलमोस्ट हर डिटेल क्लियर हुई है, मैंने क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए हैं कौन कौन से आते हैं, इनके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं आप वो जरूर पढ़िएगा, और उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच।